हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि मारुति सिलेरियो की है, जो कि लॉन्च हो चुकी है। और आज मैं शोरूम में हूं। आज की जो डेट है वो 15th of November है। तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है। टॉप मॉडल है ZX5+। अब मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। गाड़ी की जो चाबी है कुछ इस तरीके से आती है, जैसे स्विफ्ट में और ऊपर के मॉडल ब्रिजा में आती थी। तो इसमें सिर्फ लॉक अनलॉक का फीचर्स होता है, ये दो चाबी आती हैं। बाकी की अपना जो है ये अपना सेंसर से वहाँ से ओपन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे फ्रंट में अगर बात करते हैं तो फ्रंट में आपकी जो लाइट्स मिलेगी वो हेलोजन मिलेगी, और यहाँ पे इंडिकेटर भी देख पा रहे होंगे तो वो हेलोजन मिलेगा। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप दिए गए हैं। यहाँ पे ये अपना हुक करने का है अगर गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये ग्रिल दी गई है, जो कि ये आधा मारुति की जो सुजुकी का लोगो है उसको कवर कर रही है, और इधर भी साइड में कवर कर रही है। स्विफ्ट में आपने देखी होगी वो कम्प्लीटली लॉन्च हुई हुई है, और नीचे से देखेंगे तो आप ब्लैक में ग्रिल दी गई है, आपको देख रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से भी अपने नीचे से कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब मैं आपको साइड से इसको कवर करता हूँ। अगर साइड से आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये एलॉय व्हील मिल गए हैं, जो कि याकाम योकोहामा के टायर इसमें आपको मिलते हैं, जो कि 15-inch एलॉय आपको मिलते हैं। टॉप मॉडल है तो इसलिए इन्होंने जो है एलॉय दिए हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। साइड की लुक दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखेगी। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दे दिया गया है। बॉडी कलर ORVM मिलेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। रिक्वेस्ट सेंसर आपका यहाँ पे गेट पे दे दिया गया है, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर चाबी आपके हाथ में है या पॉकेट में है। बाकी की यहाँ पे मैनुअल की का भी ऑप्शन दे दिया गया है, और ये आपकी ब्लैक की कैडिंग दे दी गई है, जो कि यहाँ पे ब्लैक का आपको देखने को मिल जाएगा पियानो ब्लैक में। और बाकी की आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा पीछे का लुक। पीछे आपके जो डोर हैं वो काफ़ी हैवी हैं, मैंने खोल के चेक किए थे, काफ़ी हैवीनेस फील हो रही है पिछली बार की और अब की सिलेरियो में। बाकी की बात करते हैं इसके जो है ये हैंडल, तो हैंडल नॉर्मल दिए गए हैं। इस पर मारुति को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। और पीछे से कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी गाड़ी जो है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे की लुक। पीछे की लुक आपको मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी पीछे का कुछ लुक दिखेगा। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, टेल लैम्प जो पीछे है, सिलेरियो की बैजिंग मिल जाती है, और सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको सेम एज इट इज आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे बूट को ओपन कर सकते हैं, और इसको अपना प्रेस करके बूट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपका दिया गया है, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह दी गई है। इसमें आपको कैमरा नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। बाकी की कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और साइड से कुछ इस तरीके से लुक आपकी दिखेगी, आप देख पा रहे होंगे। और ये अपना अब इसमें पीछे बूट में हम आपको दिखा देते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। इसमें बूट की बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल रहा है, जो कि अभी ये CNG में नहीं आ रही है, अभी सिर्फ पेट्रोल में ये लॉन्च हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। और बाकी की यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे टायर आपको मिल जाएगा। तो टायर हम देख लेते हैं कि आपका कितना इंचेस का मिलता है। तो टायर की अगर हम बात करते हैं तो सेम आपको जो मिलता है यहाँ पर टायर आपका देख लेते हैं कितने इंचेस का आपको मिलता है। तो यहाँ पे 14 इंचेस का इसमें टायर आपको मिलता है, टायर साइज आप देख पा रहे होंगे, और वो स्टील में मिलता है आपको। तो ये आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा, यहाँ पे भी मिल जाती है। और यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, वो गेट पे दे दिया गया है इसको, ना ही इसमें बूट लैंप आपको मिलता है। और बात करते हैं अब साइड से, तो साइड से कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी दिखेगी यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपका रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से गाड़ी आपकी दिखेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी में। यहाँ पे आपका मैनुअल की का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर होगा, यहाँ पे आपका हैंडल हो गया। तो काफ़ी अच्छा इस बार मतलब मारुति ने काम किया हुआ है। और यहाँ पर आपको ड्राइव एडजस्टेबल, और ये आपका जो है सीट आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्राइवर की हाइट एडजस्टेबल सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये ऑप्शन दे दिया गया है। डोर आपका सिंपल मिलेगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे डोर में आपका यहाँ पे स्पीकर दे दिया गया है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। बाकी की यहाँ पे खोलने का और गेट बंद करने का दे दिया गया, और यहाँ पे मैनुअल सिर्फ लॉक अनलॉक का ऑप्शन दे दिया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपके जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकल होल्डेबल और एडजस्टेबल है।
यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक का ये वेरिएंट है, तो इसमें आपको सिर्फ दो ही पैडल मिलेंगे जो कि ब्रेक और रेस मिलती है, क्लिच इसमें आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एसी बैंड का आपको एसी बैंड भी इस बार चेंज कर दिए गए हैं, तो काफ़ी ये स्पोर्टी सा लुक दिख रहा है आपको इस तरीके से, जैसे स्विफ्ट में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लुक है, बट इसमें गोल ही दिया है, बट थोड़ा सा अलग कर दिया। और यहाँ पे हल्का सा आपका क्रोम का आपको मिल जाएगा। फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट थोड़ा सा दूर से देखने में अच्छी लग रही है, और मतलब स्पोर्टी कुछ लुक लग रहा है। और आप देख पा रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा। स्पीडोमीटर जो है आपका वैसे दिया गया है, मार्किंग दी गई है 0 से आपकी 180 तक, और यहाँ पर राइट में आपका जो है वो दिया गया है जिसमें आपका स्क्रीन दिखेगी, बट अभी मैं इसको ऑन नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी शोरूम में खड़ी हुई है, मेरे को परमिशन नहीं है। यहाँ से अपना जो है नॉर्मल आप जो है इसको अपना जो है वो कर सकते हो, रीडिंग वगैरह चेक कर सकते हो, फ्यूल का चेक कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। यहाँ पे स्टीरियो भी, आपके स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल भी इस बार दे दिए गए हैं जो कि पिछली बार सिलेरियो में नहीं मिलते थे, और यहाँ पे आपके फ़ोन कंट्रोल्स आपके मिल गए हैं। बाकी के दो एयरबैग इसमें मिलते हैं, ईवीडी और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एंटीना आपका आगे रखा हुआ है क्योंकि एंटीना निकाल दिया था, तो एंटीना आगे की तरफ मिलता है। और यहाँ पर आपका इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि 10 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर इसमें जो है आपके गाड़ी लॉक अनलॉक और पावर विंडो के बटन यहाँ दे दिए गए हैं, लॉक अनलॉक के, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जबकि गेट पे होने चाहिए थे बट गेट पे नहीं दिए। यहाँ पे अपना एसी वेंट हो गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है, स्पोर्टी सा, और मतलब ये सॉफ्ट टच में तो नहीं दिया है, हार्ड टच में है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनुअल ही क्लाइमेट कंट्रोल जो मिलता है एसी के, मैनुअल ही मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। ये ZXi+ वेरिएंट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया है, और यहाँ पे आपका USB और ऑक्स का ऑप्शन दे दिया गया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन के लिए स्पेस है, कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपका कप होल्डर मिल गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये अपना ऑटोमेटिक यूनिट है, तो ऑटोमेटिक में देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिया है, जिसका लुक मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि रिवर्स और आपका जो है न्यूट्रल, मैनुअल और मतलब ऑटोमेटिक, ये कुछ इस तरीके से आपका काम करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। स्पोर्टी, इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है, यहाँ पे हैंडरेस्ट दे दिया गया है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पीछे की जो दो पावर विंडो हैं वो इस बार गेट पर नहीं दी हैं, तो ये काफ़ी चेंज करके दिखाया है। और बाकी की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ डिज़ाइन दिया गया है, कोई ग्लो बॉक्स नहीं दिया गया है। ग्लो बॉक्स की बात करें हम तो ये अपना ग्लो बॉक्स दिया गया है, तो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट अगर प्लास्टिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक दी है पिछली बार से कंपेरिजन, मतलब थोड़ा क्वालिटी में मारुति ने काम किया हुआ है। और इधर देखेंगे तो इधर आपका लॉक अनलॉक हो गया, उधर आपका एसी वेंट हो गया, और इधर आपका गेट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। जो बाकी की आपका जो है स्टेयरिंग जो मिलता है आपका, वो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। ड्राइवर सीट मैंने बताई दी है, बाकी की ये है कि मेरे को अच्छा लग रहा है काफ़ी बैठ के गाड़ी में, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ड्राइवर में थाई सपोर्ट मेरे को जो लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, तो बाकी की मारुति को थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए था। और यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नॉर्मल ही मिलेगा, और यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे तो आपको नॉर्मल जो है हेलोजन आपको लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये आपका जो टच रहेगा, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम रहेगा, ये अपना टच में रहेगा। तो बाकी की दोस्तों अब चलते हैं आपको लेके पीछे, तो पीछे दिखाते हैं कितना स्पेस है, और जो आपके हैंडरेस्ट हैं पीछे गाड़ी में, जो मैं सीट पर दिखा देता हूँ, आपके एडजस्टेबल नहीं है, वो आपके फिक्स वाले हैं। तो अगर हम पीछे चल रहे हैं तो पीछे आपका नॉर्मली ये दिया है अपना ओपन करने का, मैं इसको ये लॉक हो गया है, अनलॉक कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल, जैसा मैंने आगे का डोर दिखाया था उसी तरीके से आपका यहाँ पे डोर रहेगा सिंपल सा। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे बोटल होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान भी रख सकते हैं, और यहाँ पे लॉक अनलॉक का मिलेगा। बाकी की यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो वैसे तो स्पेस मेरे को अच्छा लग रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो थाइस यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे, तो लेग तो काफ़ी अच्छा है। बाकी की जो है बात करते हैं आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये
इंटीग्रेटेड मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी की थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बाकी की स्पेस तो ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी आपका जो है इंटीग्रेटेड ही मिलता है, पीछे आपका पार्सल ट्रे मिल जाती है। और यहाँ पे मतलब दो बंदे और एक एडल्ट आप यहाँ पे बैठा सकते हो, बाकी की तीन भी बैठा होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका कर जाएगा। पावर विंडो यहाँ पे दिया है, बोतल होल्डर का पीछे कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे अपनी टूल किट है जो कि पीछे आपको नहीं दिख रही थी, बट ये पीछे रख दी जाएगी अब, और कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। अब दोस्तों मैं आपको आगे का व्यू कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, जो कि आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक लग रहा है। तो मारुति ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे का, मतलब जो मतलब पीछे का, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप जो है पीछे का जो हैंड रेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना इंटीग्रेटेड मिलता है तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, बाकी की मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बाकी की काफ़ी अच्छा है। प्राइजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, 4.99 जो बेस मॉडल है इसका जो है एक्स शोरूम प्राइज आया, तो मोस्टली जो पड़ेगा वो 6 लाख का आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। अभी पेट्रोल में ही है, CNG में अभी नहीं है, जब CNG में आ जाएगा तो आपको ये दिखा दिया जाएगा, आपको CNG में अगर कोई वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल होगा, अभी नहीं है। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ZXi प्लस है, जो कि सेलेरियो का है, मैंने सारा आपको दिखा दिया है। बाकी की दोस्तों ये अपना सारा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे चैनल पे जब भी इस तरीके की वीडियो आएगी। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।